स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। जैसा कि आप जानते हैं, जो आज मैच खेला जाना है बेंगलोर और चेन्नई के बीच में, इस आईपीएल का 24th मैच खेला जाना है। और इस मैच का जो वीडियो है मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने बात की है दोनों की टीमों के प्लेइंग इलेवन के साथ में, ग्राउंड की उन्होंने बात की है, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं बेंगलोर की टीम में। तो हमने उन चेंजेस की बात की और साथ में बात की हमने पॉइंट टेबल की और कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में आपके अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। तो एक बार से आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर से देखें, तभी आपको इस वीडियो का फायदा मिल सकता है। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हमें 6 ग्रैंड लीग्स की टीम बना के दो, जो मैं आपके लिए हर मैच के लिए बनाता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं आपको 6 ग्रैंड लीग्स की टीम जो है दे सकूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम जो है फर्स्ट टीम के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, फिर हम जो पांच बाकी की टीमें रहने वाली ग्रैंड लीग की वह हम प्रीव्यू के हिसाब से बात करेंगे। तो आइए बात करें फर्स्ट टीम की। तो विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, महेंद्र सिंह धोनी, क्वांटर डिकॉक, पार्थिव पटेल और जगदीशन नहीं खेलेंगे। 100% जगदीशन है जो नहीं खेलेंगे। पार्थिव पटेल का 1% चांस बन सकता है, क्यों बन सकता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार से जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है वो आप एक बार से जरूर, आपको बहुत मदद मिलेगा उस वीडियो से, जिससे आप बड़ा विन कर सकते हो आज के मैच में। तो मैं जो सेफ है महेंद्र सिंह धोनी इनके साथ जाने वाला हूँ। क्वांटिटी को थोड़ा इसकी हो सकती है, आप 99% तो यही खेलेंगे क्योंकि पिछला मैच है जो बेंगलोर जीत चुका है। तो मेरे साथ 99% जो है क्वांटिटी को खेलेंगे, 1% चांस है पार्थिव पटेल के खेलने के। तो मैं एकदम सेफ महेंद्र सिंह धोनी के साथ जा रहा हूँ फर्स्ट टीम में। हम बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने तीन बैट्समैन को पिक की, और क्रेडिट की बहुत ही ज़्यादा कमी रहने वाली है आपको टीम बनाने में। बहुत मुश्किल से जो है आप एक अच्छी टीम बना सकते हो, इसलिए मैं आपको 6 ग्रैंड लीग्स टीम दे रहा हूँ, जिससे आपको जो कॉम्बिनेशन जो है बनाने में मदद मिलेगा, और आप अपनी तरफ से एक दो चेंज करके अच्छा विन भी कर सकते हो। तो तीन बैट्समैन ने पिक किया है, विराट कोहली, सुरेश रैना और मनदीप सिंह। ऑप्शन की बात हो तो एबी डिविलियर्स एकदम सही ऑप्शन है, अंबाती रायडू एकदम सही ऑप्शन है, सेम बिलिंग्स और फाफ डुप्लेसी दोनों में से कोई एक खेलेगा, दोनों का 50-50 कहने वाला हूँ। ब्रेंडन मैकुलम जिनका मैंने बता रखा है वो किसके जगह खेल सकते हैं और कैसे खेल सकते हैं, तो आप एक बार से वो वीडियो ज़रूर से देख लें मेरा, मनन वोरा का मैंने आपको बता रखा है इससे पहले वीडियो में। मुरली विजय मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे, और बाकी ऑप्शन सारे अच्छे हैं, लेकिन किसी को मौका मेरे हिसाब से नहीं दिया जाएगा। हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने तीन ऑलराउंडर को पिक किया, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और क्रिस वोक्स। और ऑप्शन की बात करूँ तो रविंद्र जडेजा एकदम सही ऑप्शन आपके लिए। कोरी एंडरसन को लगातार जो है दो मैच में मौके मिले, एक मैच में उन्होंने फ्लॉप रहे थे, सेकंड मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उतना अच्छा नहीं किया था, ठीक ठाक परफॉर्म किया था। सो इनको इस मैच में मौका दिया जा सकता है, लेकिन इनके जगह जो कोलिंग डी ग्रैंड होम जो ज़बरदस्त, ये भी न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, इनको मौका दिया जा सकता है इनकी जगह। बहुत ही कम चांस है क्योंकि बेंगलोर पिछले मैच जीत चुका है, लेकिन ये एक चेंज हो सकता है। और नीचे ऑप्शन तो सारे अच्छे, लेकिन मेरे हिसाब से किसी को मौका नहीं दिया जाएगा, वो सुंदर सुंदर है जो आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के, तो मैंने चार बॉलर को पिक किया है, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, दीपक चहर और मोहम्मद सिराज को। और ऑप्शन की बात करूँ तो उमेश यादव एकदम सही ऑप्शन है, करण शर्मा और हरभजन सिंह इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। मेरे हिसाब से करण शर्मा ही खेलने वाला है, क्योंकि करण शर्मा का परफॉर्म है जो ठीक ठाक ही रहा है, मेरे हिसाब से करण शर्मा ही खेलेंगे। हरभजन सिंह को एक और मैच के लिए बिठाया जा सकता है। इमरान ताहिर का मैं आपको बता दूँ कि चेन्नई के कोच ने क्लियर कर दिया कि इमरान ताहिर इस मैच के लिए अवेलेबल हैं, और मुझे लगता है क्योंकि इमरान ताहिर है जो T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, तो मेरे हिसाब से इमरान ताहिर आपको 99.99% आज के मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। डेविड विली और टीम साउथी को मेरे हिसाब से मौका नहीं दिया। हरभजन सिंह का मैंने आपको बोल दिया है कि करण शर्मा हरभजन सिंह से कोई एक खेलेगा। लुंगी एनगिडी को आप मत लेना, ये अभी साउथ अफ्रीका में है, इनके थोड़े फैमिली रीजन की वजह से, तो आप इनको ग्रैंड लीग में रिस्क भी आप मत लेना। और बाकी ऑप्शन तो सारे अच्छे, मेरे हिसाब से किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। एक मोहम्मद सिराज को मैंने पिक किया है, ये आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो मैंने कैप्टन रखा है शेन वॉटसन को। मैं चाहे जितनी भी टीमें बनाऊँ, आज 6 बनाऊँ, 4 बनाऊँ, 5 बनाऊँ, मैं शेन वॉटसन को ही कैप्टन रखने वाला हूँ, क्योंकि एक तो चार ओवर पूरे करते हैं और साथ में ओपनिंग बैटिंग करने आते हैं, तो इनसे बेस्ट कैप्टन आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में मिल ही नहीं सकता। बाकी परफॉर्म करना तो किसी के हाथ में नहीं है भाई, कि कौन परफॉर्म करेगा कौन नहीं। वाइस कैप्टन मैंने रखा सुरेश रैना को। हम बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की फर्स्ट टीम की, तो ये मेरा फर्स्ट टीम का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है, जो मैं आपको टीम दे रहा हूँ उन्हीं टीम के साथ में ग्रैंड लीग खेलने वाला हूँ। हम बात करते हैं सेकेंड टीम की जो मैंने आपके लिए बनाई, इसमें क्वांटिटी को मैंने जो है विकेट कीपर सेक्शन में पिक किया है,
सुरेश रैना, फाफ डुप्लेसी को मैंने पिक किया क्योंकि फाफ डुप्लेसी और सेम बिलिंग्स दोनों का 50-50 रहने वाला है, क्योंकि फाफ डुप्लेसी को टीम ने रिटेन किया है, तो मेरे हिसाब से फाफ डुप्लेसी को ही खिलाया जाएगा इस मैच में। और जो हमने पिछला मैच देखा था कि अंबती रायडू थोड़ा नीचे बैटिंग करने आए थे और फाफ डुप्लेसी ने ओपनिंग की थी, तो मेरे हिसाब से इसी मैच में भी ऐसा ही हो सकता है, सेम बिलिंग्स को मेरे हिसाब से रेस्ट दिया जाएगा एक मैच के लिए। और विराट कोहली आपको कन्फर्म खेलते हुए नजर आ जाएंगे। शेन वॉटसन को मैंने पिक किया है, डीजे ब्रावो और वॉशिंगटन सुंदर, जो आपको पता है इनका बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा ऊपर हो गया और ये अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं साथ में। इमरान तारिक को मैंने अपनी टीम में पिक किया, मेरे हिसाब से 99% खेलेंगे, युजवेंद्र चहल, दीपक चहर और मोहम्मद सिराज। तो इस टीम में मैंने कैप्टन वापस रखा शेन वॉटसन को। मैं जितनी भी टीम बना मैं शेन वॉटसन को कैप्टन रखने वाला हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप शेन वॉटसन को कैप्टन रखना, बाकी आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस चूज कर सकते हो, क्योंकि आप खुद इतने मैचेस देखते हो, आपको पता है सारे प्लेयर्स के बारे में, आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वाइस कैप्टन का ड्वेन ब्रावो को। आइए हम बात करते हैं थर्ड टीम की। तो इस टीम में मैंने वापस विकेट कीपर रखा है महेंद्र सिंह धोनी को, मनदीप सिंह, सुरेश रैना और ए बी डिविलियर्स जो जबरदस्त फॉर्म में है, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव और साधु ठाकुर। मैं मोहम्मद सिराज की बात करूँ तो मैं अपनी टीम में मोहम्मद सिराज को जो है कम से कम पिक करना चाहता हूँ, लेकिन इतने क्रेडिट की कमी हो रही है, एक बार आप खुद से टीम बना के देखो तभी आपको पता चलेगा कितनी क्रेडिट की हमें प्रॉब्लम हो रही है टीम बनाने में, एक अच्छी टीम बनाने में। इसलिए मैं आपके लिए एसिक्स ग्रैंडली की टीम लेके आऊँ ताकि आपको कॉम्बिनेशन का पता चल सके। तो वापस से मैंने कैप्टन रखा है शेन वॉटसन को, वेस्ट रखा है ए बी डिविलियर्स को। तो हम बात करते हैं फोर्थ टीम की बात। इस टीम में मैंने रखा है विकेट कीपर में महेंद्र सिंह धोनी को, जो आपके लिए 100% सेफ रहने वाले हैं आज। बैटिंग सेक्शन में सुरेश रैना, ए बी डिविलियर्स और मनदीप सिंह। ऑलराउंडर मैंने दो पिक किए हैं शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो। बॉलिंग मैंने 5 बॉलर को पिक किए, इसलिए पिक किए क्योंकि जो बेंगलोर की पिच है वो ज़्यादातर बैटिंग सपोर्टेड पिच रहती है, लेकिन कभी कभी जो है जो हमने कल का मैच देखा था वानखेड़े के स्टेडियम में हुआ था, लो स्कोरिंग मैच, तो हो सकता है ये भी मैच लो स्कोरिंग हो सकता है, मैच ज़्यादा बॉलर्स का दबदबा इस मैच में रह सकता है, क्योंकि पिच का हम कुछ नहीं कह सकते, ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली रहती है, लेकिन कभी कभी जो बेंगलोर की पिच है वो बॉलिंग सपोर्टेड भी हो जाती है। तो उमेश यादव, इमरान ताहिर, साधु ठाकुर, युजवेंद्र चहल और दीपक चहर, तो इन मैंने 5 बॉलर को अपनी टीम में पिक किया है। ज़्यादा मैंने पिक किए चेन्नई की बॉलर, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बेंगलोर की बैटिंग ऑर्डर है वो कमज़ोर है, सिर्फ विराट कोहली और ए बी डिविलियर्स पे पूरी टीम टिकी हुई है, तो अगर ऑल आउट कोई टीम हो सकती है वो है बेंगलोर, इसलिए मैंने 4 चेन्नई के बॉलर को पिक किया है। तो हम बात करते हैं इस टीम में मैंने कैप्टन रखा है शेन वॉटसन को और वाइस कैप्टन रखा है ड्वेन ब्रावो को। हम बात करते हैं 5 टीम की बात। तो इस टीम में विकेट पर पिक किया क्वांटन डिकोक को, विराट कोहली, अंबती रायडू और सुरेश रैना को मैंने अपने इस टीम में पिक किया। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और वाशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को। तो इस टीम में कैप्टन रखा है शेन वॉटसन को और वाइस कैप्टन रखा है विराट कोहली को। तो ये मेरी 5 ग्रैंड लीग्स की टीम रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि टीम में एक दो चेंजेस होने चाहिए तो आप अपने हिसाब से एक दो चेंजेस कर सकते हो। आपको लगता है कैप्टन वाइस कैप्टन को चेंज करना चाहिए तो आप अपने हिसाब से जो है कैप्टन वाइस कैप्टन को चेंज कर सकते हो। मैंने आपको इसीलिए यह टीम बना के दिया ताकि आप अपने हिसाब से एक दो चेंज करके अच्छा फिन कर सको। और अगर आप मेरी टीम के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अगर आपका लॉस हुआ तो फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि अगर आपका लॉस होगा तो मेरा भी लॉस होगा, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो मेरा भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं इन टीम के साथ जो है ग्रैंड लीग खेलने वाला हूँ। तो आप अगर मेरी टीम के साथ जाओ तो अपने रिस्क पे ही जाना, और ये वीडियो देखने से पहले एक बार जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है वो वीडियो आप जरूर से देख ली, आप ही का फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं 6 टीम की, जो मैंने आपकी लास्ट टीम बनाई है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की टीम है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हुआ है तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ये टीम क्यों बनाई है। तो एक बार से आप वो वीडियो ज़रूर से जाके देख लें, उस वीडियो की लिंक है जो मैं अपने चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो पिछले वीडियो की लिंक जो मैं आपको दे दूंगा। तो इस देखिए मैंने विकेट कीपर पिक किया है पार्थिक पटेल को और ब्रेंडन मैकुलम को। तो विकेट कीपर पार्थिक पटेल को पिक किया और जो डिफेंडर मैंने पिक किया ब्रेंडन मैकुलम, विराट कोहली, सुरेश रैना और अंबती रायडू, ये तीन तो कन्फर्म खेलते हुए नजर आ जाएंगे, शेन वॉटसन, युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर और क्रिस वोक्स, इमरान ताहिर, करण शर्मा और मोहम्मद सिराज। तो ये मैंने ग्रैंड लीग के 6 टीम पिक किए, ये 99% आपके लिए सेफ टीम नहीं रहने वाली है। अगर ये बाय चांस खेलते हैं, क्योंकि खेल सकते हैं, मैंने डिटेल से आपको पिछले वीडियो में समझा रखा है कि ये कैसे खेल सकते हैं, तो अगर ये खेलते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों साथ ही में खेलेंगे, अगर इनको मौका दिया जाएगा दोनों को साथ ही में मौका दिया जाएगा। इसलिए मैंने कैप्टन रखा है ब्रेंडन मैकुलम को और वाइस कैप्टन रखा है
पार्थिव पटेल को। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा रिस्की टीम बनाई, अगर इस टीम के साथ आप खेलना चाहते हो तो आपका 99% है जो लॉस हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों प्लेयर खेलते हैं, अगर परफॉर्म करते हैं, तो भाई दोनों को मिला के 5% लोगों ने भी इनको नहीं ले रखा है, तो आपको हज्जो ग्रैंड लीग वन साइडली विन करा देंगे, ये मैं एकदम कन्फर्म बोल रहा हूँ। अगर आप ये परफॉर्म करेंगे तब, बाकी आपको बता आप सेफ प्लेयर के साथ जाते हो, परफॉर्म करते हैं फिर भी हम ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो आपको वन साइडली गारंटी से है जो है ग्रैंड लीग विन करा देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार से जरूर से थोड़ा टाइम निकाल के मेरा पहले वाला वीडियो देखो, उससे आपको बहुत जो है हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपको मेरी सिक्स टीम पसंद आई तभी आप मेरी टीम के साथ जाना, बाकी आप अपनी टीम में एक दो चेंजेस कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि थोड़ी आपको हेल्प मिल सके, वैसे भी थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो पास में बेल आइकन का बटन है आप उसे भी प्रेस कर देना। उससे होगा ये कि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा, आपको पता है वीडियो हर मंथ का अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको फ़ायदा यही होगा कि आपके चैनल पे आपके मोबाइल पे जो नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे वीडियो का, ताकि आप इजीली है जो मेरा वीडियो देख सकोगे, जिससे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा और आप अच्छा विन कर सकोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।